श्रद्धा आफताब, निक्की साहिल और अब एक और हत्याकांड ने दिल्ली को दहला दिया है। 20 साल के एक लड़के की हैवानियत देखकर लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि भला कोई इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कैसे कर सकता है। जिस अंदाज में हत्या को सरेआम अंजाम दिया गया, उसे देखकर पूरा देश दहल गया। साहिल के सर पर खून सवार था, ये इस बात से साफ हो गया कि चाकू से करीब 20 बार हमला करने के बाद भी साहिल नहीं रुका। साहिल ने पत्थर से साक्षी को कुचल कर मार डाला। ये बहुत ही अजीब बात है कि 20 साल का साहिल अपने घर की जिम्मेदारी में पिता का हाथ बराबर से संभाल रहा था, लेकिन उसकी सनक ने उसे कातिल बना दिया। साहिल एसी और फ्रिज मैकेनिक के रूप में काम करता था और उसके पिता सरफराज ग्रिल वेल्डिंग का काम करते थे। साहिल पिछले 2 साल से शाहबाद डेरी की एक कॉलोनी में अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। साहिल के मकान मालिक ने बताया कि वह साधारण व्यक्ति था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, चुपचाप काम पर जाता था और समय से घर लौट आता था। लेकिन समाज से इतर साहिल का एक और रूप है जो पूरा सनकी है। साहिल के दोस्तों से तफ्तीश करने पर पता चला कि साहिल के लिए हिंसा, आतंक, बंदूक, शराब जैसी चीजें आम थी। साहिल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मिले कुछ वीडियो उसकी पूरी काली हकीकत बयां करते हैं। साहिल के इस हाव भाव से ये तो साफ है कि उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत दोनों अलग हैं। साहिल हत्या करके अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। साक्षी हत्याकांड में ऐसा दावा किया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के पुराने प्रेमी से दोबारा बातचीत शुरू हुई थी। सूत्रों की माने तो दोनों के इसी झगड़े की वजह से साहिल ने यह कदम उठाया। फिलहाल इस हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की जांच साहिल और साक्षी के जान पहचान वाले दोस्तों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें नाबालिग लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड और लड़की के पास में रहने वाला उसके नए दोस्त शामिल है। पुलिस जांच में इस नए दोस्त का नाम झबरू बताया गया है। पुलिस कस्टडी में साहिल ने बताया कि झबरू ने साहिल को धमकी दी थी कि अगर उसने लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो वो साहिल को मार देगा। साहिल का कहना है कि झबरू लड़की की वजह से मुझे मारता, इससे पहले मैंने ही लड़की को मार दिया। अब पुलिस साहिल के इस बयान की तफ्तीश के लिए झबरू से भी पूछताछ करेगी।